वेलकम टू आवर चैनल स्टार टेक्नोलॉजी। आज हम देखेंगे कि BFL का कैसे यूज़ किया जाता है, उसके बेसिक एप्लीकेशन क्या हैं और किस तरीके से लोग फील्ड पर BFL का यूज़ करते हैं। तो ये फाइबर शॉट का प्रो सीरीज़ का OTDR है। इसमें आपको BFL का फीचर इंक्लूडिंग मिलता है, जो कि एक काफ़ी अच्छी चीज़ है, और इसका कैसे हम यूज़ कर सकते हैं वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर आपको एक BFL का फीचर दिखाई दे रहा होगा, आप इसे क्लिक कर सकते हो। तो बेसिकली BFL का क्या यूज़ होता है, सबसे पहले हम जानते हैं। BFL की जो फुल फॉर्म होती है वो होता है विजुअल फॉल्ट लोकेटर। मतलब ये एक ऐसा लोकेटर है जो कि आप विजुअली आप जिसमें फॉल्ट को देख सकते हो। एग्जांपल के लिए मैंने दो पैच कोड लिए हैं। एक पैच कोड आपकी बिल्कुल क्लियर है, न्यू पैच कोड है, और मैंने एक पैच कोड को डमी पैच कोड बनाया है जो कि फॉल्टी है, जिसमें मैंने डमी इवेंट क्रिएट किए हैं। अब हम देखते हैं कि BFL किस तरीके से इन दोनों पैच कोड्स पर आपको रिजल्ट्स को दिखाएगा। तो सबसे पहले हमने BFL को ऑन कर लिया। यहाँ से एक रेड कलर की लेज़र लाइट निकलने लगी है, आप देख रहे होंगे, और ये आपको शो हो रही है। इसकी जो रेंज है वो 10 किलोमीटर्स की रेंज है, मतलब 10 किलोमीटर तक आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो इसका बेसिकली यूज़ क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपकी पैच कोड यहाँ से मुड़ी हुई है, या फिर आपकी पैच कोड यहाँ पर दब रही है, तो इस पॉइंट पर क्या होगा, लॉसेस बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहे होंगे, जो कि बेसिकली अगर आप पैच कोड से किसी डिवाइस को कनेक्ट करते हो तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी पैच कोड को क्लियर होना चाहिए। अगर आपकी पैच कोड में लॉस होगा तो स्टार्टिंग पॉइंट पर ही लॉस होने क्रिएट हो जाएंगे, लॉस होने चालू हो जाएंगे, और उस वजह से आपकी पूरी लाइन में लॉस आएगा और आपकी पावर लो दिखाई देगी। तो उसे इग्नोर करने के लिए हम पहले ही BFL से उस लाइन की क्लियरेंस को चेक करते हैं। तो जैसे ही आप इसको क्लियर करेंगे, इस नॉड को हटाएंगे, आपकी इजीली BFL क्रॉस कर जाएगी पूरी पैच कोड को, और इसकी जो रेंज होगी वो 10 किलोमीटर्स तक की होगी। अब हम इसमें एक फॉल्टी पैच कोड को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये BFL इसका मेजरमेंट कर सकता है। सो उसके लिए हम इसमें इस पैच कोड को हमने कनेक्ट किया। जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक नॉड है और ये उसे रेड कलर से ब्लिंक कर रहा है। सिंपली आपको इसको रिमूव करना पड़ेगा। अगर आप इस पैच कोड से अपनी लाइन को कनेक्ट करते हो तो उससे सबसे बड़ा जो इशू आएगा वो आएगा कि आपका पावर लॉसेस बहुत होंगे लाइन में। स्टार्टिंग पॉइंट पर ही आपका पावर लॉस क्रिएट हो जाएगा। तो अब जब आप इस या तो आप इस पैच कोड को रिमूव कर दें, नई पैच कोड उसकी जगह यूज़ करें, तो आपके लिए बेहतर होगा। तो BFL का यूज़ इस तरीके से बेसिकली कस्टमर्स करते हैं फील्ड पर। दूसरा यूज़ जो BFL का करते हैं वो ये है कि फील्ड पर बहुत सारी कोर होती हैं, और अगर हमें 10 किलोमीटर के अंदर किसी जेसी बॉक्स पर ये देखना हो कि किसी जेसी बॉक्स पे अगर हमें फाइबर को इंडिकेट करना हो, तो हम उस पर्टिकुलर कोर पर BFL को शूट कर सकते हैं। जो लाइन मेंटेन करने वाला जो लड़का है वो उस पॉइंट पर जाकर स्प्लाइस करेगा। अगर आपको यहाँ पर दिखाना है कि किस लाइन को तोड़ना है, किस लाइन को ब्रोक करना है, तो बेसिकली कस्टमर BFL का यूज़ तब भी करते हैं जब उन्हें पर्टिकुलर लाइन को इंडिकेट करना हो अपने कंट्रोल रूम से बैठकर फील्ड पर। तो ये BFL के दो बेसिक यूज़ हैं। थैंक यू सो मच।